ब्लॉग में और मैं अभी बैठा हुआ ऑफिस में और आज हमारे वहाँ हर सैटरडे कोई ना कोई इवेंट होता है। सो ऐसा ही एक इवेंट आज भी है। पिछली बार मैंने दिखाया था आपको इंडिपेंडेंस डे का इवेंट था और उसमें तो मस्त डांस वांस हुआ था, बट वो तो और ज़्यादा एक्साइटिंग था। लेकिन आज थोड़ा एक्टिविटीज़ वाला इवेंट है जिसमें हमारे पास है राखी मेकिंग। और आप क्या बना रहे हैं? ये मेहंदी लगाएंगे, पर मेरे को मेहंदी लगानी नहीं आती है। सो ऐसी एक्टिविटीज़ होती रहती है काफ़ी अलग अलग प्रकार की। सो अभी तो बन रहा है, सामने सब बना ही रहे हैं, देखो ठीक है। सो अभी बन रहा है, तो जब कंप्लीट होगा मैं आपको सब दिखाऊंगा। और हर सैटरडे हाफ टाइम के बाद हमारी एक्टिविटीज चलती हैं और काफ़ी एक्साइटिंग रहता है। और फिर कुछ लोग यहाँ पर नीचे रख रख के आइसक्रीम खा रहे होते हैं, देखो यहाँ पर आइसक्रीम दिखा हुआ है, आइसक्रीम दिखा हुआ है, देखो छुपा रहे हैं आइसक्रीम। तो ऐसा चीज़ आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए, ठीक है। तो अभी इसके बाद हमारे इवेंट में वैसे मेरे को तो आज बनाना था राखी, पर मेरे पास सामान सामान कुछ है नहीं, तो अब मैं कुछ बना तो पाऊँगा नहीं। तो चलो मैंने सोचा व्लॉग ही बना रहे, आपको भी दिखा दे अपने ऑफिस में इंटर्नशिप के टाइम पे चल के रहे हैं। सो अभी देखते हैं कौन क्या क्या बना रहा है, ठीक है। थोड़ा एकदम दर्शन देते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। स्टार्ट हो गया है, सब बनाने लग गए हैं, आपको दिखाते हैं। देखो भाई हमारे राखी बना रहे हैं और एकदम कलाकार। तो अभी तो बन ही रही है, जब कंप्लीट होगी तब आपको दिखाएंगे। और बाकी वहाँ मेहंदी बन रही है सामने, यहाँ पर भी राखियाँ बन रही है और यहाँ पर मेहंदी और यहाँ पर भी मेहंदी। सो कंप्लीशन के बाद दिखाएंगे, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इसमें जो क्या होता है कि स्टार्टिंग में अगर दिखाया जाए तो फिर इतना तो मज़ा नहीं आता ना, तो वो बात है। देखो यहाँ पर भी मेहंदी बन रही है, अभी तो स्टार्टिंग फेज है तो इसलिए कुछ नहीं बना हुआ है। अभी एक अंदर भी दिखाते हैं आपको अंदर क्या बन रहा है। यहाँ पर देखो राखी बन रही है यहाँ पर भी। सो ये बिफोर है, आपको आफ्टर भी दिखा देंगे। अभी वहाँ पर भी राखी, वहाँ पर भी राखी, अंदर दिखाते पहले आपको। सो अंदर ये अंदर वाले कैबिन में यहाँ पर भी बनी रही है, क्या बन रही है ये देखो पूजा। पर यहाँ तो कुछ बन ही नहीं रहा, क्या अभी शुरुआत होगी, जब बन जाएगा तब दिखाएंगे आपको। वैसे हमारे कैफेटेरिया में भी चली रही है वहाँ भी, क्योंकि जगह पूरी जगह घेरी हुई है। कैफेटेरिया में दिखाता हूँ, तो ये देखो यहाँ पर हाय। सो ये देखो ये अभी प्रकाश भाई के हाथ में बन रहा है प्यारा सा मेहंदी। हाँ बना रहे हो फ्री में, ठीक है। और यहाँ पर क्या बना रहे हैं, यहाँ पर भी मेहंदी बना रहे हैं। तो यार मैंने सोचा मेरे से भी कुछ काम ना करा दें, मेरे को एक्टिविटीज़ ना करा दें, क्योंकि अगर एक्टिविटीज़ नहीं करते तो फिर काम ही करना पड़ता बेसिकली, जो काम हम करते हैं इंटर्नशिप में। सो मैं यहाँ छुप जाऊँ अपने कैबिन में, कैबिन में कोई नहीं है, मैं दिख भी नहीं रहा हूँ देखो यहाँ पर, क्योंकि सब नीचे को है यहाँ पर। ये देखो पूरा खाली कैबिन है, मैं नीचे छुपा हुआ हूँ। बस ही कल तो मैं यहाँ बैठा हुआ था। ये देखो मैंने एक आर्ट बनाया था मेरा, जो मेरे को बहुत अच्छे से आता है ऑगी को बनाना। सो इतना प्यारा ऑगी भैया, तो छुपे रहते हैं, जैसे सब खत्म होगा तब निकलेंगे बाहर, और क्या करना है। तो अभी मेहंदी मेकिंग इन प्रोग्रेस है। और अभी तो इससे भी अच्छा होगा, और बाकी यहाँ का प्रोग्रेस ही रहा। सो यहाँ भी प्रोग्रेस में ये काम, देखो इतनी प्यारी राखी बन चुकी है लगभग, बस अभी कंप्लीशन में थोड़ा टाइम है, और आगे तो नहीं बनी। और एक
यूनिक सी राखी ये बनी हुई है। सो थोड़ी सी यहाँ भी बन चुकी है लगभग, बट वर्क इन प्रोग्रेस है। खैर अभी राखी बन चुकी है। सो यार अभी मेहंदी बन चुकी है। ये बन चुकी है? ये बन चुकी। किसने बनाई? नाइस द आर्ट द आर्टिस्ट। नाइस अभी और बनेंगी, वो भी दिखाएंगे आपको। उसकी वीडियो बना। अच्छा वो, अरे मेन कंटेंट है। देखो क्या आपने कभी ऐसा टैलेंट देखा? आज देखो मेहंदी मेकिंग टैलेंट। हाँ क्या 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 कह रहे थे आप? हाँ तो कैमरा देख के शांत हो गए इसलिए कुछ बोला नहीं। तो कोई बात नहीं, अभी पीछे भी यहाँ भी राखी मेकिंग ही चल रही है, वर्क इन प्रोग्रेस। तो सिर्फ एक अकेला मेल पार्टिसिपेंट नहीं था मेहंदी मेकिंग में, हमारे पास एक और है। सो अमन भाई ठीक है, अभी शुरू ही किया हुआ है। अरे अभी तो शुरू ही करा हुआ है, देखते हैं। भैया पहले प्रेम नगर में लगाते थे मस्त अपनी ठेली वाली मेहंदी लगाते थे, तो आज वो अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिला हुआ है तो वो दिखा रहे हैं। देखो कितना प्यारा डिजाइन बनाया हुआ है, वो अभी उनको पता नहीं मैंने बोला क्या, वो बाद में पता चलेगा। अरे भैया मेरे से आ रहे बाद में, आपने मैगी क्यों नहीं खाई? मैंने आपने बनाई खाती, मैंने रखी थी कि बना के। ये वाले को लगता है नीचे ये बीच वाला तो फिलहाल यही बनाते हैं अकेले। वाह वाह ये लाइव से तो जो बॉयज पार्टिसिपेंट था मेहंदी में उसने तगड़ा बना दिया। ये देखो बाबा हल्के में ले रहे थे क्या? मैंने तो सोचा ऐसे ही नॉर्मल ओम बनाएगा, लेकिन मस्त बनाया। शादी ब्याह के लिए संपर्क करें, नंबर बताइए भैया अपना दे दे। ठीक है आपको डिस्काउंट भी दिला दूंगा, कोड में बता दूंगा बाद में आपको। लेकिन डिज़ाइन देखो कितना अच्छा बनाया। भैया आप क्या कर रहे हो अभी? ये फिलिंग कर रहे हैं ऊपर बस। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो अभी और कंप्लीट होगा। गाइस एक और इवेंट था खाली डेकोरेशन का, देखो यहाँ तो अभी प्रोग्रेस ही है। यहाँ भी सबसे मुश्किल काम यही है डेकोरेशन का, और ठीक है अभी कंप्लीशन के बाद दिखाते हैं। ये देखो पेड़ के पत्ते से बनाए, अरे नहीं ये थाली किससे बनी हुई है? हाँ सेम नेचर। तो यहाँ भी मेहंदी कंप्लीशन लगभग होने वाली है, आर्टिस्ट यहाँ पर है। शहर अभी बस थालियाँ रेडी होने वाली है, लगभग हो चुकी है। ये देखो ये वाली थाली भी रेडी है, ये वाली भी रेडी है, और एक वो कोने में दिख रही होगी। अरे अरे तो भाई सबसे प्यारी थाली, प्यारी प्यारी लड़की और थाली। अच्छा ये ठीक है, तो ठीक है। और पूजा राजू कैसा है? प्यार नहीं करता तो शांत पे नाम मिलेगा। देख रहे हो शर्म लज्जा तो चला यार, और सीन रखा है और वहाँ तो आगे नहीं चल रहा है तो ठीक है। थर्ड टाइम सब हो चुका है, ये देखो कंप्लीटेड ये इतनी चेंदी बनी हुई है। सो फाइनली टाइम सब हो चुका है और मैं अभी दिखाता हूँ आपको कंप्लीट हो चुका है लगभग, क्योंकि जिसका नहीं हुआ 4 बजे तक का टाइम था। सो अब जो होगा अब देखते हैं क्या है, क्या बनाया है, कैसा बनाया है। अभी तो वेट ही चल रहा है जजेस का आने का। बर्थडे सेलिब्रेशन होगा, क्योंकि क्या होता है ना कि सबका बर्थडे महीने में कभी ना कभी आता है, बट वो महीने के लास्ट में एक ही बार सेलिब्रेट करते हैं लास्ट वीक में, तो आज लास्ट वीक है इस महीने का, तो अभी बर्थडे सेलिब्रेशन होगा। तो चलो ये भी एक नया कॉन्सेप्ट है, तो आज देखते हैं कैसा होता है। ये केक है,
बर्थडे बॉयज एंड गर्ल्स। तो अगस्त के महीने में इतने सारे बर्थडे बॉयज एंड गर्ल्स। अपन भाई क्या है, क्या है बर्थडे रिजोल्यूशन? थैंक यू। रिजोल्यूशन है कि सबको केक खिलाना है, तो थोड़ा थोड़ा करके। तो देखो मुझे कितना प्यार दिखा, मैं तो केक खिलाया, कितना प्यार। तो बर्थडे ह्यूमंस ढूंढ ढूंढ के केक खिला रहे हैं, वो देखो ये भी सही है, सही है ना, सही है ना टेंशन, सही है ना। तो सुमित भाई यहाँ पर राखी कॉम्पिटिशन जीत चुके हैं। बहुत बहुत बुरा हुआ गाइस, सैड लाइफ। भगवान हमारी जिंदगी में ऐसे दिन ना लाए, दुख दर्द पीड़ा एक ही फ्रेम में दिख रहा था। हे प्रभु, हे जगन्नाथ, हे प्रभु, हे हरिराम, कृष्ण जगन्नाथ, प्रेमानंद, क्या हुआ, ये क्या हुआ? मेरा गलत जीत गया यार। हाँ भाई जीता था और राखियां बन दी भाई को, समझ रहे हो गाइस? ये कैसा सिला मिल गया, ये कैसा सिला मिल गया। तो सावधान रहे, सतर्क रहे अगली बार। क्या फायदा गिफ्ट जीतने का। सो मेहंदी कंपटीशन के विनर ये आ रहे हैं हमारे पास। सो वी आर द विनर ऑफ मेहंदी। कैसा लग रहा है आपको ये गिफ्ट? तो अभी आए थाली कंपटीशन के विनर्स, हमारे पास आ चुके थाली कंपटीशन के विनर्स, ये जा रहे हैं। भैया थैंक यू केक। भाई को मिलता, भाई रो रहा है बहुत। और यहाँ पर अनबॉक्सिंग हो रही है, आप देख सकते हैं। गिफ्ट किसी और का अनबॉक्सिंग होता है। अच्छा ओके, तो देखते हैं क्या निकलता है इसके अंदर से। हमारे साथ हमारी चीज़ अगर निकल चुकी है। ओके हियर शी इज। इतनी टेप तो मेरी जिंदगी में लगी हुई है जितने से। तो पूरी एक्साइटमेंट के साथ अभी डब्बा खोला जा रहा है, और डब्बा खुलते ही देखते हैं इसके अंदर से क्या निकला। ओ माय गॉड, कप्स निकले इतने सारे। सो मज़ा आ गया सर। गाइस फाइनली अभी सब कुछ हो चुका है और अब एंड की बारी आई है। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड डू फॉलो एंड सब्सक्राइब। सो प्लीज फॉलो हिम, सब्सक्राइब ये देखो ये मैं सपक रहा, सपक रहा, सपक 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 रहा। वेलकम टू माय गाइस, वेलकम टू माय चैनल, टू माय वेलकम गाइस, चैनल टू माय वेलकम गाइस। चलो और गाते रहे मेरा यस्सू यस्सू।